यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से काल्पनिक कहानियाँ बनाता है। हम बच्चों अंडर 18 को सामग्री नहीं बनाते हैं। 18 प्लस या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का देखने के लिए स्वागत है। नेहल एक बड़ी कंपनी में जॉब करती थी। उसके बॉस का अभी ट्रांसफर हुआ था। उसका बॉस ईशान लड़कीबाज था। वो कंपनी में लड़कियों को फंसाकर सैलरी बढ़ाने का वादा करता था। तभी एक दिन की बात है, नेहल तुझे सर अपने केबिन में बुला रहे हैं। नेहल ईशान के केबिन में जाती है। सर आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? हाँ बैठो, अभी ज्वाइन हुई हो क्या? हाँ सर कुछ ही टाइम हुआ है, कुछ काम था क्या? नहीं कुछ काम नहीं है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या नेहल? मैं तुम्हारा पेमेंट 2 गुना बढ़ा दूंगा। सर ये आप क्या कह रहे हो, ना मुझे 2 गुना ज्यादा पेमेंट चाहिए और ना ही मुझे आपकी गर्लफ्रेंड बनना है, समझे आप? और आपको कुछ काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। और नेहल वहाँ से चली जाती है। मुझे इनकार किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। नेहल की बच्ची, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे इससे संभल कर रहना होगा, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। तभी नेहल का फोन बजता है। हेलो। हेलो नेहल, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी बाहर आओ। हाँ ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। नेहल का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम रोहन था। वह नेहल से बहुत प्यार करता था। नेहल रोहन के साथ चली जाती है। तभी वहाँ पे ईशान दोनों को जाते हुए देख लेता है। अच्छा तो मुझे मना करने का कारण ये लड़का है। क्या हुआ, ऑफिस में तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम बहुत परेशान लग रही हो। नेहल कुछ न कहती चुपचाप बैठी रहती है। नेहल कहाँ खो गई हो, जवाब तो दो। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम मुझे कोई शान जगह पर लेकर चलो ना। रोहन नेहल को बीच पर लेकर जाता है। अब बताओ क्या बात है, मुझे पता है आज कुछ ना कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ, इसीलिए तुम आज इतनी उदास लग रही हो। नेहल रोते हुए कहती है, मेरे बॉस ने आज मेरे साथ बदतमीजी की, उसने कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारा पेमेंट 2 गुना कर दूंगा। रोहन उसे गले से लगा लेता है। नेहल मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वो चीज दोगी? क्या है बोलो, मेरे पास वो चीज होगी तो मैं जरूर तुम्हें दूंगी। तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, शादी के बाद तुम आराम से घर में रहना, तुम्हें कहीं काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा, ठीक है? नेहल रोहन को गले लगा लेती है और दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। कुछ ही समय में रात हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह नेहल और रोहन मंदिर में शादी कर लेते हैं। नेहल अकेले ही रहती थी, बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। अब उसकी शादी हो गई थी रोहन से, अब जो भी था वो रोहन ही था। रोहन नेहल को लेकर अपने घर आता है। नेहल अब ये तुम्हारा भी घर है और हम दोनों इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। हाँ मैं तो तुमको बताना ही भूल गया, मेरे भैया भी हैं जो मेरे बड़े पापा के बेटे हैं, आधी कंपनी पापा ने उसी के नाम कर दी, इस वजह से वो भी यही रहते हैं। वो अभी ऑफिस गए हैं, वो आएंगे तो मैं मिलाऊंगा तुमको उससे, ठीक है? ठीक है, मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। दोनों बेडरूम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा कमरा है, तुम यहाँ आराम से सो जाओ, मैं होटल से खाना लेकर आता हूँ, ठीक है? रोहन खाना लेने होटल जाता है और नेहल सो जाती है। नेहल को सोए कुछ ही टाइम हुआ रहता है, तभी वहाँ ईशान आता है। ओ, तो तुम यहाँ हो? नेहल घबरा कर उठ जाती है। कौन है, कौन है यहाँ? अरे तुम घबरा क्यों रही हो, मैं हूँ तुम्हारा बॉस, तुम मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही हो? क्या मतलब, रोहन इसका भाई है, अब मैं क्या जवाब दूँ? तभी वहाँ रोहन भी आ जाता है। भैया आज आप ऑफिस नहीं गए और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो आप? वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ। ठीक है चलिए हॉल में बैठकर बात करते हैं। और वह ईशान को वहाँ से ले जाता है। अच्छा ये बताओ ये लड़की कौन है और तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? वो मेरी बीवी है तो मेरे कमरे में ही रहेगी ना, अब आप जा सकते हैं, मुझे अपनी पत्नी के साथ समय गुजारने हैं। ओह जरूर, शादी मुबारक हो, खूब मजे करो, मैं चलता हूँ। ईशान चला जाता है।
तुम ठीक तो हो ना? वो मेरे भैया थे, वो मुझे पसंद नहीं है, हमेशा प्राइवेट चीजों में घुसने की कोशिश करते हैं। उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? रोहन ये वही इंसान है जिसने मुझे ऑफिस में वो सब कहा था जो मैंने तुम्हें बताया था। क्या? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी आता हूँ। नहीं, तुम उसके पास मत जाओ। उसका चरित्र तो खराब है ही, लेकिन वो गुंडा जैसे भी लगता है। हम उससे जितना दूर रहेंगे हम उतना ही अच्छे से रहेंगे। मतलब नेहल मेरे भाई की पत्नी है? अब तो और मजा आएगा मुझे। कुछ ना कुछ तो तरकीब लगाना पड़ेगा। आइडिया? ईशान फोन में बात करता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। रोहन अपने बाइक पर घर की ओर जाते रहता है, तभी एक कार पीछे से आती है और उसे जोर से टक्कर मार देती है। रोहन गाड़ी से गिर जाता है और उसे काफी चोट लग जाती है। कार वहां से भाग जाती है। नेहल को फोन आता है, वह तुरंत हॉस्पिटल जाती है। काफी चोट लगने की वजह से आपके पति कोमा में चले गए हैं, आप बिल पे कर दीजिए। नेहल बहुत रोती है। उसके पास जितना भी फंड रहता है सब एक ही बार में चला जाता है। अब मैं क्या करूं? रोहन का क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। नेहल रात भर रोहन के बगल में बैठे बैठे गुजार देती है। सुनिए, उठ जाइए। सुबह हो गई क्या? हाँ, सुबह हो गई है। और आप बेड चार्ज पे कर दीजिए 15,000 रुपए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? एक रात का 15,000? जी हाँ। और अगर आपके पति एक महीने तक रुकते हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए, मैं चलता हूँ। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? नेहल बहुत चिंता में रहती है। तभी वहाँ उसका जेठ ईशान आता है। अरे अरे, तुम तो बहुत ही दुखी लग रही हो। क्या बात है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। नहीं, मुझे तुमसे कुछ मदद नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से, समझे तुम? इतना गुस्सा क्यों? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन सोच लो, एक रात का पूरा 30,000 दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ऐसे कहकर ईशान वहाँ से निकल जाता है। नेहल अपने घर जाती है और अपने कॉलेज फ्रेंड रिया को फोन करती है। हेलो रिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ। बता क्या हुआ? रिया, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मेरे पति हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लीज यार मदद कर दे। अरे यार, मैं क्या बताऊँ तुझे, आज ही मैंने अपने बच्चे की स्कूल फी जमा कर दी। मेरे पास तो नहीं है यार, तो किसी और से देख ले मिल जाए तो। चल अब मैं रखती हूँ ना, मुझे काम है। रिया ने किसी सुन तो। रिया नेहल का फोन काट देती है। नेहल बहुत परेशान हो जाती है। अब क्या करो? नेहा निशान को फोन लगाती है। तुम्हारे ही फोन का इंतजार था, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मंजूर है, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो फिर आज रात मैं आऊँगा तुम्हारे पैसे लेकर। कुछ ही समय में रात हो जाती है। ईशान पैसे लेकर नेहल के पास जाता है और उसके साथ एक रात गुजारता है और उसको पैसे देता है। दूसरे दिन की सुबह नेहल उस पैसे को लेकर हॉस्पिटल जाती है और रोहन का बिल पे करती है। लगभग एक महीने तक नेहल को ईशान के साथ सोना पड़ता है और आखिरकार रोहन को होश आ ही जाता है। मैं कितने दिन से यहाँ पड़ा हूँ नेहल? ज्यादा दिन नहीं हुआ है, बस एक हफ्ते से। अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? पहले से बेटर फील हो रहा है ना? हाँ, अब मैं पूरा ठीक हो गया हूँ। देखो मैं बात भी कर रहा हूँ। ओके, तुम रुको, मैं डॉक्टर से मिल कर आती हूँ। नेहल डॉक्टर से मिलती है और रोहन को घर लेकर जाती है। दोनों घर आ जाते हैं। नेहल, मुझे ठीक करने में कितने खर्चे हुए हैं? तुम पैसे की बात क्यों कर रहे हो? मैंने सब संभाल लिया है, ठीक है? तुम बेफिक्र रहो और अपने तबियत का ख्याल रखो। ठीक है, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ, काफी दिन से नहीं मिला हूँ। ठीक है, आराम से संभल कर जाना। रोहन अपने दोस्त हरीश के पास जाता है। भाई, तुझे सही सलामत देखकर बहुत अच्छा लगा। भाभी जी ने बड़ी मेहनत की है तुझे ठीक करने में। हाँ, क्या मेहनत की है? हरीश उसे सारी बात बता देता है। रोहन दौड़ते हुए वहाँ से चले जाता है और पुलिस को लेकर सीधे अपने भाई ईशान के घर पर पहुँच जाता है। ईशान को पुलिस वाले ले जाते हैं। रोहन फिर नेहल के पास आता है और उसे गले से लगा लेता है और दोनों खुशी खुशी जीने लगते हैं।